पे सारा मसला जो है ना ऐसा है, आंटियां औरतों की बातें ऐसे ही करती है जैसे वो चीज ही ना हो। गली मोहल्ले का माहौल ही ऐसे बन गया अंकल। सारी बातें वो नहीं है कहने की, कहने की सारी बातें ये है ना, पीठ पीछे बुराई नहीं करता बंदा इतने। इस मोहल्ले का माहौल ही ऐसा हो गया, हर बंदा एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे जैसे भी बस अल्लाह माफ करे, होता है ऐसा। क्या बातें हो रही है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकेले के लिए बैठे हुए कम्युनिटी हॉल में और पार्क भी बराबर में है। हाँ बस ऐसी अपने का बैठ जाए, थोड़ा लाइट गया हुआ था घर का। अच्छा घर की लाइट जो हाँ, कम बहुत कितनी लोड शेडिंग होती है। हाँ और शहजाद साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज है? मिजाज तो बहुत बढ़िया है वैसे। बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको बात। कसम से, कसम से अगर आप रंडवा हो जाते हैं ना तो मैं दूसरी शादी का पैगाम आपको ही भेजती। अच्छा तो बस था, मुझे पता नहीं था नौजवान लड़का भी साथ बैठा हुआ है। आंटी किसी को सॉरी। अच्छा अच्छा तुम्हारा तुम्हारा क्या हाल है, अम्मी कैसी हैं? अल्लाह का करम आंटी सब ठीक है, आप सुनाए बस। जुलेखा मिली नहीं मुझे बहुत अच्छे से, कहाँ है वो? थोड़ा घर पे बिजी है, काम वाम कर रही है। आप भी आती नहीं है, उस दिन के बाद से आप आई नहीं। भाई उसे पिछली दफा वो शामी कबाब में जो है ना वो अजवाइन मिला दी थी ना। अच्छा तो फिर मुझे लूज मशीन हो गई थी, फिर मैं उसके बाद आई नहीं सकी। हाँ उससे बोला करो भाई अगर कोई खाना पकाने की तरकीब पूछनी हो ना तो ये जो मोहल्ले की आंटी है ना मशहूर मारूफ इनसे पूछा करें, ठीक है? और शहजाद साहब कैसे हैं? ये शहजाद साहब की तो मैं बुराई करूँ अभी, मैं आप तैयार ना सुनने को? जी जी आप बोले तो सुने। अल्लाह की कसम गुस्सा किया ना तो मेरी जूती होगी और आपके सर, समझ आई? और ये बंदा जो बीच बैठे ना रेफरी होगा ये। देखिए कर रहे हैं आप, करे करे शुरू करे, हम भी सुनेगी, हम भी फारिग बैठे हैं। थोड़ी सी जुरत करूं मैं, हाँ हिम्मत दिखाऊं। इनका जो बेटा है ना वो इनका शहजाद साहब का बोल याद है, मैं बोली थी ताजदार को जी, वो रमजान में आई थी, ताजदार के स्टूडियो में आई थी रमजान में, ठीक है? मैं ताजदार के स्टूडियो में बताया कि ये शहजाद साहब का जो लड़का है ना वो शैला मतलब शैला की लड़की जो है ना उनको दौड़ रहा होता है, इनको बेटा दौड़ रहा होता है। बोले बोले आप मुझे लेट मी स्पीक, मुझे आगे बीच में जो टोके बेटे वो तमीज नहीं सिखा है अंकल, तू क्यों रेफरी फालतू का बना दे अभी समझा रहा है? तो मेरी बात सुनो ना, हम बुलाएंगे करने बैठे हुए ना, तो पता है इनका बेटा क्या करता है इफ्तार में ना, इफ्तार में ना इनका बेटा सिगरेट पीने के बहाने जो है ना इनकी मतलब वो शैला की लड़की है ना उसको बालकनी में देख रहा था, वो भी इतनी बेहया लड़की है, छाती से उसके शानों से दुपट्टा गायब उसका, ठीक है? एक तो हमारे बादशाह की औरतें मर्द ना जो औरतें लड़कियां हैं ना पत्नी समझ जाते हैं, इफ्तार जैसी होती है ना शहजाद से बुरा नहीं मानिएगा, जैसे हो सकता है आपकी बीवी भी करती हूँ, जैसे ही वो इफ्तार हो जाती है ना हमारे बादशाह में क्या होता है कि औरतों की ये क्या किया हुआ है, मैंने तो ये माशाल्लाह पूरा शानों पर दुपट्टा लिया हुआ, ये देखो तो इतनी अच्छी तरीके से बैठी हूँ, ढाक के बैठी हूँ अपने आप को, वो तुम्हारी बीवी की तरह थोड़ी मैं जो बैठेंगी आ जाती है ताकि बात। तुम्हारा मुंह या बोतल का ढक्कन है? मेरा मुंह? अल्लाह मेरे मुंह के बारे में बात कर रहे हैं आप, ये बात किस तरीके से कर रहे हैं? होता है घंटी आई है मोहल्ले से हमारे घर, आप बात ऐसे तरीके से कर रहे हैं। इनका मुंह नहीं बोतल का ढक्कन है पूरा। कन की बात नहीं है, बात किस तरीके से कर रहे हैं आप? देखा आप बड़े हो, आपको कुछ नहीं कह रहे, हमारी आंटी को जलील कर रहे हैं। अब देखो मैं शुरू में आई थी, मैं याद है मैं इनको लाइन मार रही थी, अगर चलो ये अगर अब तो इनकी बीवी है ना, ये गलती से भी रंडवा हो जाते हैं ना, अगर इनकी जैसे बीवी की वफात हो जाती मैं इसको पेशादी का पैगाम भेजती, लेकिन ये मुझे इस तरह की बातें करते हुए बैठे हुए शुरू में पसंद मतलब से मैं पसंद करती थी। हाँ मैम अंकल अंकल बैठे हुए भी बोल चुका है वो, देखिए सारे इधर ही देख रहे इधर। बेटा तुम अपनी अम्मी को तो नहीं बताओगे ना कि मोहल्ले की आंटी ऐसा करती थी? नहीं वैसे बता देता लेकिन आप बोलती है तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 50 रुपए दे दिए बेटा इसको तो ना खुले हम रिश्वत बोलते हैं। ये रिश्वत नहीं, हम तो वैसे मांग रहे थे जैसे आपकी मर्जी वैसे। सही है मैं तुम्हें अभी इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद ना हाँ हाय दोस्त जा रहे थे, मैं आपके इन दोस्त से जो खाबर साहब है खाबर साहब से शिकायत करूं मैं? खाबर साहब के साथ सेटिंग बनाई हुई है क्या? देखिए आप फिर से शुरू हो गए अंकल, इनको कैसे पता उनके साथ भी सेटिंग है? आप किसकी सेटिंग बनाती हो? मेरे शोहर देखे मुझे तो एक मजमुई और बुनियादी खुशी तो देते नहीं है हक के ज़ौजियत की, तो इसलिए फिर औरत तो कहीं और देखेगी ना इस तरह, और क्या अल्लाह माफ करे अल्लाह तौबा, ऐसे भी दुनिया में
अच्छा मुझे याद आया, मेरी हांडी चल रही है, तुम दोनों से मैं दोबारा बात करूंगी। सही है, जाओ, कभी नहीं आना अभी। कैसी औरत थी ये, तो यार चीज है ना, पूछे अंकल आप भी इनके साथ लग गए। हम क्या लग गए, आप भी लग गए। बात कैसे करी थी, मुंह था या ढक्कन था, क्या था इसका? लेकिन आप भी मुझसे ईश लड़ा रहे, ऐसी बात कोई अंकल नहीं लड़ा रहे हम भाई। आप ईश लड़ा, सही नहीं थी, खराब औरत थी ये। औरत खराब है मुझे पता है, ये गली में एक से एक लगाती है लोगों की, हम तो देखते बता रहे हमारा बच्चा, आपके बच्चे को जलील कर रही हो और आप कुछ भी नहीं कह रहे अंकल, ये कैसी बात है अंकल? आप खामोश नहीं रहा करे, साफ मुंह पे बोला करे आंटी के, बोला करे ऐसे नहीं होता जैसे आप कर रही है। अरे सही है, प्रोग्राम के बाद देखेंगे, अभी घर जाके बताइएगा जरा। सही है, तुम फिक्र नहीं करो। हाँ।